आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं बिल्कुल नए आए हुए 5 से 6 अलग अलग डिपार्टमेंट के नोटिफिकेशन के बारे में। ये नोटिफिकेशन इतने बढ़िया इस बार आए हैं ना, आपकी इसी साल डेफिनेटली गवर्नमेंट जॉब लग जाएगी। मैं आपको सारी चीजें इस नोटिफिकेशन के बारे में डिटेल में समझाऊंगी। 5 से 6 अलग अलग डिपार्टमेंट की नोटिफिकेशन है जहां पे हर एक क्वालिफिकेशन वाइज वैकेंसी इस बार आई हुई है। आप यहां पे इंडिया में किसी भी लोकेशन से बिलोंग करते हैं, आप एक एलिजिबल है और अप्लाई कर सकते हैं। चाहे आप किसी विलेज से है, किसी सिटी से है, डिस्ट्रिक्ट से है, टाउन से है, कोई भी यहां पे इस अपॉर्चुनिटी के लिए अप्लाई कर सकता है। देखिए सारी चीजों को 1 by 1 कवर करेंगे, कौन कौन से डिपार्टमेंट का नोटिफिकेशन है, पोस्ट कौन कौन सी आई है, पोस्ट वाइज एलिजिबिलिटी क्या मांगी है, कैसे आपको यहाँ पे सिलेक्शन एंड ज्वाइनिंग मिलने वाली है, हर चीज को 1 by 1 कवर करेंगे। वीडियो को लास्ट तक देखना क्योंकि वीडियो का हर एक पार्ट आप सभी के लिए इंपॉर्टेंट होने वाला है। सबसे पहले अपने दोस्तों के साथ फटाफट इस वीडियो को शेयर करें ताकि वो भी इस अपॉर्चुनिटी के लिए अप्लाई कर पाए। एक जरूरी काम जरूर करना, देखिए आपके नियर जो भी वैकेंसीज आती है ना, आके निकल जाती है, आपको पता भी नहीं चलता। अगर आप चाहते हैं हर एक नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंचे, चाहे आपके नियर कोई भी वैकेंसीज आती है, तो आपने एक काम करना है, आपकी क्या क्वालिफिकेशन है, आप कौन सी लोकेशन से इस वीडियो को देख रहे हैं, फटाफट कमेंट सेक्शन में लिखें ताकि आपके नियर जो भी वैकेंसीज आती है उसकी इंफॉर्मेशन मैं आपके लिए जल्दी से जल्दी और ज्यादा से ज्यादा आपके लिए अपडेट लेके आ पाऊं। अब तो मैंने आपके लिए व्हाट्सएप चैनल भी बना दिया, व्हाट्सएप चैनल पर ज्वाइन और फॉलो करने का लिंक आपको मिल जाएगा। इंस्टाग्राम पे तो मुझे आप अभी जाके फॉलो करना, कोई भी आपको हेल्प चाहिए होती है वहां मैसेज कर सकते हैं, हमारी टीम आपको डेफिनेटली रिवर्ट बैक करेगी। तो हेलो एवरीवन, माय नेम इज Meet and you are watching Technical Government Job All Over India official YouTube channel। आज की इस वीडियो में आपके लिए बहुत ही बढ़िया जॉब नोटिफिकेशन मैं लेके आ चुकी हूं जो कि अलग अलग डिपार्टमेंट के आए हुए हैं, जहां पे आपने अप्लाई कर दिया ना, आपके यहाँ पे इसी साल गवर्नमेंट जॉब लग जाएगी। मैं आपको हर नोटिफिकेशन यहाँ प्रॉपर स्क्रीन शेयर करके समझाऊंगी। सबसे पहले नोटिफिकेशन में क्या क्या रिक्वायरमेंट है, कैसे अप्लाई करना है, पोजीशन क्या क्या है, एलिजिबिलिटी क्या है, सारी चीजें 1 by 1 कवर करेंगे। एज इट इज 2nd, 3rd, 4th, 5th, 6th के बारे में कवर करेंगे, एंड तक वीडियो देखना। सबसे पहले देखिए हमारे ऑफिशियल यूट्यूब चैनल टेक्निकल गवर्नमेंट जॉब ऑल ओवर इंडिया पे। अगर आप पहली बार आए हैं, इसी तरह से चाहते हैं हर एक अपडेट आप तक टाइम पर पहुंचे, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें ताकि अगली जो वीडियो चैनल पे आ रही है उसका नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंच जाए। बाकी इस अपडेट के अलावा काफी सारे देखिए नए डिपार्टमेंट की वैकेंसीज आई है। हमारी जो ऑफिशियल वेबसाइट है meetacademy.in, लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया है, गूगल पे इस तरीके से आप लिखना, पहले नंबर पे साइट मिलेगी। सिंगल क्लिक करके लेटेस्ट वैकेंसी को चेक करके आप यहां अप्लाई कर पाएंगे। चलिए फिलहाल बात करें हम यहां पे लेटेस्ट 5 to 6 अलग अलग डिपार्टमेंट के जॉब नोटिफिकेशंस के बारे में, कैसे अप्लाई करना है, कौन सा डिपार्टमेंट है, क्या रिक्वायरमेंट है, हर चीज को 1 by 1 यहां कवर करने वाले हैं। देखिए कि आपके पास यूट्यूब की तरफ से जब मैं वीडियो अपडेट करती हूं आपके पास नोटिफिकेशन कई बार नहीं आ पाता है, तो मैंने आपके लिए एक नया चैनल बना दिया जिसका नाम है मीत शर्मा। यूट्यूब में लिखना मीत शर्मा, आपको चैनल मिल जाएगा, लिंक भी मैंने आपको डिस्क्रिप्शन में दिया, उसको भी जाके आप सब्सक्राइब करना। फिलहाल बात करें नए नोटिफिकेशन के बारे में, वीडियो को प्यार से लाइक करें, आपका एक लाइक मोटिवेट करता है आपके लिए नए नए अपडेट लेके आने का। सबसे पहले हमारे चैनल को फटाफट सब्सक्राइब करें टेक्निकल गवर्नमेंट जॉब ऑल ओवर इंडिया को, ताकि अगली वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंच जाए। चलिए 5 to 6 जो अलग अलग डिपार्टमेंट के नोटिफिकेशन आए हैं उसको हम देख लेते हैं। चलते हैं कंप्यूटर स्क्रीन पे, 1 by 1 हर नोटिफिकेशन को डिस्कस करेंगे, बात करेंगे वहीं पे अप्लाई भी कैसे करना है, एलिजिबिलिटी क्या है, पोस्ट कौन कौन सी है, सिलेक्शन कैसे होनी है। चलते हैं कंप्यूटर स्क्रीन पे। सबसे पहले हम आ चुके हैं जो फर्स्ट नोटिफिकेशन है वहां पे, जो कि फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया यानी कि FCI का नोटिफिकेशन। यहाँ पे अप्लाई मोड ऑनलाइन है, कोई भी अदर मोड अप्लाई करने का नहीं है। आप यहाँ पे ऑल इंडिया से अप्लाई कर सकते हो, मेल एंड फीमेल दोनों ही अप्लाई। जिससे मैंने आपको बताया सिर्फ ऑनलाइन करना है, कोई अदर मोड नहीं है। यहाँ पे जॉब लोकेशन भी आपके नियर बाय रहेगी। अगर हम यहाँ सैलरी की बात करें, 40,000 से 1,40,000 आपकी सैलरी है। ये ना जो आपकी सैलरी है अलग अलग पोस्ट वाइज वेरी करती है, ठीक है। अगर यहाँ पे एलिजिबिलिटी के बारे में बात करें तो ऑल इंडिया कैंडिडेट यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं। जॉब लोकेशन मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया है, क्रॉस इंडिया है। टाइप ऑफ जॉब के बारे में यहाँ पे बात करें, यहाँ पे देखिए आप जो भी पोस्ट के लिए अप्लाई कर रहे हो, सारी की सारी यहाँ पे जो वैकेंसीज है वो परमानेंटली आपकी गवर्नमेंट जॉब रहने वाली है। और ये FCA जो है सेंट्रल गवर्नमेंट का डिपार्टमेंट है,
उन्हीं की तरह से ये अपडेट है जहां पे आपको ऑनलाइन अप्लाई करना होगा, कोई भी अदर मोड अप्लाई करने का नहीं है। ठीक है, एप्लीकेशन फी यहाँ पे डेफिनेटली एप्लीकेबल है क्योंकि परमानेंट गवर्नमेंट जॉब है। मैं ना आपको हर नोटिफिकेशन का सारा कुछ डिटेल में समझा रही हूँ, पोस्ट क्या क्या है, एलिजिबिलिटी क्या मांगी है, डिपार्टमेंट कौन सा है, किसके लिए अप्लाई कैसे आपको करना है, सारा कुछ वन बाय वन बात करेंगे। अभी हम पहली नोटिफिकेशन पे है, इसके बाद 4 से 5 अलग अलग डिपार्टमेंट के और भी नोटिफिकेशन आया है, तो वीडियो पे बने रहिएगा। ठीक है, उसके बाद बात सो वैकेंसीज की अगर हम यहाँ बात करें तो यहाँ पे सबसे पहले जो पोस्ट है फूड सेफ्टी ऑफिसर, सेकंड असिस्टेंट ग्रेड 3 की, स्टेनोग्राफर, असिस्टेंट मैनेजर, मैनेजर, जूनियर इंजीनियर, वॉचमैन। ठीक है, यहाँ पे नंबर ऑफ पोस्ट भी आप यहाँ इस लिंक पे क्लिक करके भी देख सकते हैं। उसके बाद बात करें एप्लीकेशन फी की, डेफिनेटली एप्लीकेबल है अगर आप अनरिजर्व कैटेगरी से, यानी कि जनरल, ओबीसी या अदर्स कैंडिडेट है, तो आपके यहाँ जो फी है 250 से 800 है, ये पोस्ट वाइज है। ठीक है, किसी पोस्ट के लिए 250 है, किसी पोस्ट के लिए उससे अबव है, तो वो पोस्ट वाइज वेरी करता है, तो आप देख सकते हैं। यहाँ पे रिजर्व कैटेगरी के लिए भी फी है, ठीक है, तो जिनके लिए अलग फी है, ऑनलाइन ही आपको पे करना है डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, नेट बैंकिंग से। अगर हम यहाँ पे सारी की सारी ओवरऑल वैकेंसीज के बारे में बात करें एज लिमिट की, तो यहाँ पे देखिए आपकी एज मिनिमम 18, मैक्सिमम 40 है, तो आप यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, प्लस आपको रिलैक्सी जरूर मिल रहा है, जो कि ओबीसी को 3 साल का, एससी एसटी को 5 साल का, अदर्स के लिए एज पर नॉर्म्स यहाँ रिलैक्सेशन है। एलिजिबिलिटी के बारे में बात करें, 10th पास 12th पास, ग्रेजुएट अप्लाई कर सकते हैं। देखिए आप जब अप्लाई करेंगे क्या क्या डॉक्यूमेंट्स चाहिए, सबसे पहले एजुकेशन क्वालिफिकेशन के डॉक्यूमेंट्स चाहिए, आईडी प्रूफ, वैलिड ईमेल आईडी और कॉन्टैक्ट नंबर, फोटोग्राफ एंड सिग्नेचर। ठीक है, उसके बाद रेजिडेंट प्रूफ आपका चाहिए, जो भी आपका अदर प्रूफ है वो आपको चाहिए होगा। ठीक है, अगर सिलेक्शन के बारे में बात करें, यहाँ पे सबसे पहले आपका रिटर्न एग्जाम डेफिनेटली हो रहा है, चाहे आप किसी भी पोस्ट के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो आपका यहाँ रिटर्न एग्जाम डेफिनेटली है। अगर यहाँ किसी पोस्ट के लिए इंटरव्यू होनी होगी हो जाएगी, अदरवाइज आपको यहाँ पे रिटर्न एग्जाम देना है, सिर्फ मेडिकल होगा, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हो गई, आपकी सिलेक्शन हो जाएगी। ठीक है, अगर यहाँ पे बात करिए अप्लाई कैसे करना है, तो यहाँ पे सिर्फ आपको ऑनलाइन ही अप्लाई करना है, कोई भी अदर मोड यहाँ पे अप्लाई करने का नहीं है। एफसी यानी कि फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया की जो वैकेंसीज है, ये आपकी परमानेंट गवर्नमेंट जॉब है, जहां पे आप इंडिया में किसी भी सिटी, विलेज, डिस्ट्रिक्ट, टाउन से बिलोंग करते हैं, आप चाहे फीमेल कैंडिडेट है, आप चाहे मेल कैंडिडेट है या कोई अदर्स है, ठीक है, तो आप इस अपॉर्चुनिटी के लिए अप्लाई जो है ना वो कर सकते हैं, तो काफी अच्छा चांस है आपके लिए, अप्लाई यहाँ पे आपको जरूर से करना है। जॉब लोकेशन भी आपको यहाँ पे आपके नियर बाय ही मिलने वाली है। ये हो गया फर्स्ट नोटिफिकेशन। नेक्स्ट नोटिफिकेशन की बात करें, बिल्कुल नया आंगनवाड़ी डिपार्टमेंट का, जहां पे आप अप्लाई कर सकते हैं मेल फीमेल दोनों। ठीक है, विद इन 30 डेज आपको यहाँ पे अप्लाई जो वो करना होगा। ठीक है, यहाँ पे ये भी आपकी वैकेंसीज है, आप में से कोई भी यहाँ पे इलिजिबल है, अप्लाई कर सकता है। 8th पास 10th पास 12th ग्रेजुएट के लिए बहुत ही अच्छी अपॉर्चुनिटी है। कब से कमेंट्स भी आ रहे थे कि मैम आंगनवाड़ी की वैकेंसी कब आएंगी, फाइनली आप यहाँ अप्लाई कर सकते हैं। अगर यहाँ पे हम एप्लीकेशन फीस के बारे में बात करें, जो कि आंगनवाड़ी डिपार्टमेंट की, जनरल, ओबीसी, AWS यानी कि अनडिजर्व कैटेगरी, या फिर एससी एसटी PWD कैटेगरी यानी कि रिजर्व कैटेगरी, यानी कि चाहे आप अनडिजर्व कैटेगरी से है, चाहे आप रिजर्व कैटेगरी से है, आपको यहाँ कोई फी नहीं देनी है। ठीक है, फ्री ऑफ कॉस्ट आपको अप्लाई यहाँ पे करना होगा। वैकेंसी के बारे में यहाँ पे बात करें, वर्कर, हेल्पर की वैकेंसीज है, यहाँ पे सहयोगी की वैकेंसीज आपको यहाँ पे देखने को मिल रही है। यहाँ पे एलिजिबिलिटी मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया, 10th 12th ग्रेजुएट 8th पास यहाँ पर अप्लाई जो है वो कर सकते हैं। ठीक है, आंगनवाड़ी डिपार्टमेंट की जब भी वैकेंसीज आती है ना, मोस्टली आपको इसके लिए ऑफलाइन ही अप्लाई करने को बोला जाता है। ठीक है, तो इसके लिए भी आपको ऑफलाइन अप्लाई करना है, आगे बताऊंगी कैसे किस तरीके से। ठीक है, हर नोटिफिकेशन का आपको वन बाय वन इसके बाद सारी नोटिफिकेशन डिस्कस करने के बाद मैं बताऊंगी जरूर कैसे अप्लाई करना है। यहाँ पे जो कैंडिडेट शॉर्टलिस्टेड होंगे, ठीक है, जैसे आप अप्लाई कर लेंगे उसके बाद आपकी एप्लीकेशन उनके पास पहुंचेगी, जो कैंडिडेट यहाँ शॉर्टलिस्टेड होंगे ना, उनको यहाँ पे सीधा बुलाया जाएगा इंटरव्यू पे। इंटरव्यू बेस्ड ही आपके यहाँ सिलेक्शन एंड ज्वाइनिंग है। पहले भी जब ये वैकेंसीज आती हैं, तब भी इस वैकेंसीज के लिए आपके यहाँ पे इंटरव्यू ही होती है। अब डॉक्यूमेंट्स यहाँ पे देखिए क्या क्या चाहिए, आप किसी भी पोस्ट को अप्लाई कर रहे हैं, 10th का सर्टिफिकेट आपको चाहिए ही होगा, अदर हायर एजुकेशन अगर कोई है वो सर्टिफिकेट चाहिए, यानी अगर आप 12th या ग्रेजुएट से बिलोंग करते हैं वो सर्टिफिकेट चाहिए, आधार कार्ड आपको अपना चाहिए होगा, कास्ट सर्टिफिकेट चाहिए अगर आप किसी रिजर्व कैटेगरी से है उस केस में चाहिए, अदरवाइज अनरिजर्व के लिए यहाँ पे किसी भी तरीके का आपको यहाँ पे नहीं चाहिए। सो ये आपको ध्यान रखना है।
नेक्स्ट अगर यहाँ बात करें अप्लाई कैसे, आई मीन आपको लिंक कहाँ मिलेंगे और एज में, एज मिनिमम 18 मैक्सिमम 40 प्लस रिलैक्सेशन अगर एप्लीकेबल है मिल जाएगा, ओबीसी 3 साल, एससी 5 साल, अदर्स को यहाँ एज पर नॉर्म से रिलैक्सेशन मिल सकता है। अगर यहाँ पे बात करें अप्लाई कैसे करना है, सो यहीं पे लास्ट में आपको लिंक मिलेंगे नोटिफिकेशन डाउनलोड का, पहले इसको अच्छे तरीके से रीड कर लेना, ठीक है। इसी के साथ उन्होंने एप्लीकेशन फॉर्म अटैच कर दिया हमको, तो यहाँ भी आपने डाउनलोड करना है, प्रिंट आउट निकाल लेना है, नोटिफिकेशन पीडीएफ के साथ जो फॉर्म है उसको फिल करके सिर्फ इनके एड्रेस पे भेज देना है, ठीक है। ये हो गया सेकेंड नोटिफिकेशन। इसके बाद मैंने आपको बताया 3 से 4 और नोटिफिकेशन है। नेक्स्ट नोटिफिकेशन की अगर हम यहाँ पे बात करें, बिल्कुल नया नोटिफिकेशन आया है आपका एचडीएफसी बैंक का। ये इस बार जो वैकेंसीज आई है ना, इतनी धमाकेदार वैकेंसीज है ना, कोई भी आप में से यहाँ पर ना अप्लाई कर सकते हैं। अप्लाई मोड ऑनलाइन है, अप्लाई शुरू हो गया है, फटाफट आपको इस अपॉर्चुनिटी के लिए जो है वो अप्लाई करना होगा। देखिए अगर हम यहाँ पे एप्लीकेशन फी के बारे में बात करें, आप किसी भी कैटेगरी से यहाँ पे अप्लाई कर रहे हैं, कभी भी ना एचडीएफसी बैंक आपको किसी भी जॉब के लिए पे करने को नहीं, सो यहाँ फ्री में आपको अप्लाई जो है वो करना होगा, ठीक है। अगर हम यहाँ पे बात करें एचडीएफसी बैंक की कौन कौन सी वैकेंसीज आई है, तो यहाँ पे देखिए सबसे पहली जो पोजीशन है ऑपरेशंस के लिए है, या आपकी बैकएंड की जॉब है और फ्रेशर अप्लाई कर सकते हैं, बैठ के आपको काम करना है बैंक में, ठीक है। उसके बाद बिजनेस डेवलपमेंट के लिए वैकेंसीज है, ठीक है। बिजनेस डेवलपमेंट की प्रोफाइल आज की डेट में ट्रेंडिंग में चल रही है, एज वेल एज डिजिटल कंटेंट की, ठीक है। अगर आप डिजिटल कंटेंट में भी अप्लाई करते हैं तो उसके लिए भी आपको बहुत अच्छे चांसेस मिलते हैं, ठीक है। लेकिन अभी के लिए ये प्रोफाइल बिजनेस डेवलपमेंट की आई है, यहाँ पे आपकी जो वैकेंसीज यहाँ पे आई हुई है, ठीक है। यहाँ पे बिजनेस डेवलपमेंट के लिए आपको सैलरी से भी ज्यादा इंसेंटिव मिल जाता है। ऑपरेशंस फ्रंट ऑफिस की वैकेंसीज यहाँ पे आई है, क्रेडिट अप्राइजर की वैकेंसीज, लीगल अप्राइजर, रिकवरी ऑफिसर, कलेक्शन ऑफिसर, रिलेशनशिप मैनेजर, टेक्निकल अप्राइजर। सिलेक्शन की बात करें, आप किसी भी पोस्ट को अप्लाई करें, यहाँ पे सिर्फ आपकी इंटरव्यू होने वाली है, उसके बेसिस पे सिलेक्शन एंड ज्वाइनिंग का कोई एग्जाम नहीं है। मिनिमम एज 18 आप अप्लाई करें, मैक्सिमम आपके अराउंड 58 या 48 तक आप अप्लाई करें, ठीक है। बेस्ट सैलरी आपको यहाँ पे करी जा रही है। यहाँ पे आपको अप्लाई करने के लिंक मिल जाएंगे, यहाँ पे अपने आपको रजिस्टर करके लॉग इन करके आपको अप्लाई करना है। जब तक आप इस लिंक पे क्लिक करेंगे, आपको ना यहाँ पे एक वीडियो देखने को मिल जाएंगी, ठीक है। वहां मेरी फोटो लगी है, उस वीडियो में मैंने आपको स्टेप बाय स्टेप बता रखा है कैसे आपको अप्लाई करना है। अब चलते हैं नेक्स्ट नोटिफिकेशन के, उसके बाद एक और डिपार्टमेंट का नया नोटिफिकेशन है, वो भी इसी वीडियो में कवर करेंगे, ठीक है। यहाँ पे नेक्स्ट नोटिफिकेशन आया है आपका 4th या पोस्ट ऑफिस का, इसके बाद एक और धमाकेदार अपडेट है, वो भी आपको बताऊंगी। ये अप्लाई मोड ऑनलाइन है, मेल फीमेल दोनों अप्लाई कर सकते हैं ऑल इंडिया से, ठीक है। जॉब लोकेशन भी अक्रॉस इंडिया है। अगर टाइप ऑफ जॉब के बारे में बात करें, आपकी परमानेंटली गवर्नमेंट जॉब जो है वो रहने वाली है, ठीक है। ये जो वैकेंसीज है आपकी पोस्ट ऑफिस की, कोई भी आप में से अप्लाई करें, फीमेल एंड मेल दोनों, चाहे आप इंडिया में किसी सिटी से है, विलेज से है, डिस्ट्रिक्ट या टाउन से है। अगर फी के बारे में बात करें, जनरल ओबीसी की 750, ठीक है। ईडब्ल्यूएस एससी एसटी की भी यहाँ पे फी डेफिनेटली है। यहाँ पे एग्जीक्यूटिव की पोजीशन के लिए यहाँ पे वैकेंसी जो है वो आई हुई है, ठीक है। एग्जीक्यूटिव के लिए आपको अप्लाई करना होगा, 30,000 प्लस आपकी यहाँ सैलरी है, एज मिनिमम 20, मैक्सिमम 35 प्लस रिलैक्सेशन मिल रहा है। ग्रेजुएट कैंडिडेट यहाँ पे इस वैकेंसी में एलिजिबल है और अप्लाई यहाँ पे कर सकते हैं, ठीक है। इधर आपको लास्ट में चले जाना है इस नोटिफिकेशन के लिए। लास्ट में जब आप जाएंगे ना, ये आपको स्टेप बाय स्टेप अप्लाई की वीडियो मिल जाती है, चेक करके अप्लाई करना। अब चलते हैं नेक्स्ट नोटिफिकेशन पे, ये बिल्कुल नया नोटिफिकेशन है। देखिए 50,000 से 1,60,000 आपकी यहाँ सैलरी है। एनटीपीसी का नया नोटिफिकेशन है, यानी कि नेशनल थर्मल पावर कॉर्पोरेशन लिमिटेड का। ऑल मेल फीमेल अप्लाई करें, अप्लाई मोड ऑनलाइन है, ऑल इंडिया कैंडिडेट यहाँ पे एलिजिबल है और यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं। परमानेंट जॉब है, जॉब लोकेशन आपकी अक्रॉस इंडिया है। नेक्स्ट फी के बारे में बात करें, जनरल ओबीसी के लिए 300 एप्लीकेशन की आपकी फी है। ईडब्ल्यूएस एससी एसटी के लिए कोई भी फी आपको पे नहीं करनी है, फ्री में अप्लाई आपको करना होगा, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे पोस्ट मैंने आपको ऑलरेडी बताया, जूनियर एग्जीक्यूटिव के लिए यहाँ आई हुई है। यहाँ पे इंटरव्यू बेस्ड आपकी सिलेक्शन एंड ज्वाइनिंग जो है वो होने वाली है। इधर आप लेटेस्ट वैकेंसी जो इसके अलावा आई है, जैसे रेलवे की, आंगनवाड़ी की, वर्क फ्रॉम होम, 8th 10th 12th ग्रेजुएट की, एसएससी की, पोस्ट ऑफिस की, वो आप यहाँ चेक भी कर सकते हैं। अगर इस नोटिफिकेशन के लिए एज की बात करें, मिनिमम 18 मैक्सिमम 27 प्लस ना आपको यहाँ रिलैक्सेशन मिला है अलग अलग कैटेगरी के अकॉर्डिंगली, ठीक है। तो उसके अकॉर्डिंग आप कर सकते हो अप्लाई। अब यहाँ पे ने जो नोटिफिकेशन डिस्कस करे हैं, 4 to 5 नोटिफिकेशन डिस्कस करे हैं, जिसके लिए आपको ऑनलाइन अप्लाई करना है, ठीक है, और कोई अदर मोड अप्लाई करने का नहीं है। जिसमें 3 में ऑनलाइन अप्लाई करना है, 4th मैंने आंगनवाड़ी का जो आपको बताया ऑफलाइन अप्लाई है, 1 नोटिफिकेशन इसमें ऐसा है जो अपकमिंग है, ठीक है, कुछ ही दिन में हमें कंप्लीट उसका नोटिफिकेशन देखने को मिल सकता है, तब से आप वहां पे अप्लाई भी कर पाएंगे, ठीक है। तो ये सारे जो वैकेंसीज आई है इसके लिए आप अभी से अप्लाई कर सकते। देखिए जो जो नोटिफिकेशन मैंने आपको बताया, आई होप आपको डिटेल में समझ में
आए होंगे, फिर भी अगर आपका मेरी तरफ से कोई हेल्प चाहिए होगी, कोई भी डाउट होगा, आपने मुझे कमेंट जरूर करना है। सबसे पहले देखिए तीन चीजें जरूर करना, हमारे ऑफिशियल चैनल टेक्निकल गवर्नमेंट जॉब ऑल ओवर इंडिया को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें ताकि अगली वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंच जाए। सेकंड चीज, व्हाट्सएप चैनल हमारा अभी जाके ज्वाइन और फॉलो करना, टेलीग्राम ग्रुप भी ज्वाइन और फॉलो करना, उसका भी लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया है, इंस्टाग्राम पे फॉलो करने का लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन में दिया है। अब तो मैंने आपके लिए नया चैनल भी बना दिया जिसका नाम है मीत शर्मा, यूट्यूब में टाइप करना, पहले नंबर पे चैनल मिल जाएगा आपको, लिंक भी मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखा है, फटाफट क्लिक करके आप वहां पे सब्सक्राइब करना ताकि कोई भी मौका आपके हाथ से निकल ना जाए। ये जो सारे नोटिफिकेशन मैंने आपको 5 से 6 बताए हैं, बात आती है इसमें अप्लाई करने के लिंक आपको कहां मिलेंगे, तो मैंने आपको हमारी वेबसाइट का सीधा लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया, वहां क्लिक करेंगे, क्लिक करने पर आपको सेकंड थर्ड फोर्थ पेज में आपको जाना है, वहां पे आपको लिंक मिल जाएंगे, ठीक है, आप अप्लाई करें। कोई भी क्वेश्चन है कमेंट करें। आज के लिए इतना ही, अगली वीडियो में मिलेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।